गाइस उड़ाई किसी ने लपेटनी किसे पड़ रही। सो राम राम जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू व्लॉग गाइस, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। और गाइस इस अवसर पे हम लेके आ चुके हैं एक तिरंगा पतंग, वो आपको बताइए हम लेके आए थे बड़े पतंग, और इसे उड़ाएंगे और उड़ाएंगे बड़े यूनिक तरीके से। हमारे पास आ चुका है ब्लू कलर का यहाँ पे पेन, और इसमें अच्छे तरीके से पहले हम यहाँ पे बनाएंगे अशोक चक्र, जो हमारे धर्म चक्र को रिप्रेजेंट करता है और दर्शाता है। तो इसीलिए पहले यहाँ पे धर्म चक्र यानी कि अशोक चक्र बनाते हैं, और अच्छे तरीके से फिर हम इसे आसमान में ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, पूरे आसमान की ऊंचाई तक। जो उस दिन ही लेके गए थे वो आज कदर पूरी करेंगे अच्छे तरीके से। और अभी सुबह सुबह के 8 बज रहे हैं गाइस, ठीक है, तो मजा आने वाला है। अब बिल्कुल ध्यान से इसमें पहले अशोक चक्र बनाते हैं और फिर उड़ाते हैं और अपने देश के झंडे को रिप्रेजेंट करते हैं। और गाइस मैं बोलूंगा, हमेशा अपने देश की इज्जत करो और अपने तिरंगे की इज्जत करो, और हमेशा उसे बहुत ऊंचाई पे ले जाइए और उसका नाम रोशन कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए, ठीक है गाइस। तो चलो बनाते हैं जल्दी से और फिर उड़ाते हैं गाइस। अब मैं बिल्कुल बड़ी ध्यान से भाई साहब मैं बनाने जा रहा हूँ चक्र। और मैं पहले बताता भाई, मेरी ड्राइंग इतनी कुछ खतरनाक नहीं है, कुछ उल्टा नहीं बनाऊंगा, मतलब बनाऊंगा सर्कल पर गाइस। मेरे हाथ ऐसा था नहीं, मैं बिल्कुल सर्कल ही बना दूंगा, बस कोशिश करूंगा कि मैं सर्कल ही बना पाऊँ और 24 के 24 जो स्पोक्स होते हैं, डंडे होते हैं बीच में, वो बना पाऊँ, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि देखो अपना मांझा भी ऑरेंज कलर का है, तो गाइस ये भी बहुत सही बात है। तो जल्दी से बनाते हैं, नीचे कॉपी रख ली आराम से। अबे यार डर भी लग रहा है एंकर, मुझे लग नहीं रहा होगा। भाई गाइस मैंने ऐसा बना दिया, मैं एंकर से ही बता रहा, मुझे मैं पहले ही बोला मैं परफेक्ट नहीं हूँ भाई, अब मुझे एक मेडल में बनाना पड़ेगा। ये गाइस पूरे 24 बन चुके हैं अच्छे तरीके से। और गाइस सर्कल मैं मानता हूँ पूरा नहीं बन पाया, बट कोशिश करी है मैंने बनाने की, और अपना अब लग रहा है कि हाँ लग रहा है ना थोड़ा बहुत, कि कह सकते हो भाई अपने देश का झंडा अब यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि पूरा अपने देश का झंडा है, और बीच में अशोक चक्र बन चुका है, ठीक है। और अब बस इसमें कंगने बांधेंगे और फिर उड़ाएंगे बढ़िया करके। पहले इसमें टेप बांधने लगानी पड़ेगी यार, हल्का सा फट गया है बीच में से, हल्का सा फटा है। गाइस इसमें दोबारा कंगने डालने पड़ रहे हैं, बिकॉज जो पहले वाले कंगने थे वो खराब हो गए थे, तो इसलिए देख रहे हो कितने बड़े कंगने भाई साहब, इतने मतलब छोटी छोटी पतंगे दो में डलते हैं, ठीक है, तो ये बड़ी पतंग है तो इसीलिए इसमें डाल दें। और गाइस मजा आएगा जब ये आसमान में जाएगी ना, तो भाई अलग ही स्वैग आएगा। और जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बस रिपब्लिक डे को हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं गाइस। पतंगबाजी कैसे कर सकता है, पतंगबाजी ऐसी पतंग उड़ा के तो कर सकता है, और हमने तरफ से अपनी तरफ से मेहनत भी कर दी यहाँ पे, अशोक चक्र बना गया ना, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। ये लौंडा है अपना कैमरामैन और सब्सक्राइबर है भाई साहब, तो भाई कंगने उंगने ठीक कर रहा, थोड़ा एक्सपर्ट लौंडा ना इसीलिए। और गाइस कितनी प्यारी लग रही है ना भाई साहब, अशोक चक्र लग के अलग ही सीन आता है, एकदम फीलिंग आती है भाई। बांध दे एकदम बांध है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बांध दे इसे। ये देख गाइस, और सामने सूर्यदेव भगवान जी हमें दर्शन देते हुए, जय हो सूर्यदेव भगवान जी की। आते हैं और भाई मम्मी जाएगी हमें सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे चरखी पकड़ने के लिए। ओ हो हो यार गाइस क्या हो गया देख रहे हो, ये देखो अभी से टेपिंग करनी पड़ेगी बढ़िया करके। दोबारा टेप वेप लगा ली और मम्मी चली गई छोड़ के, मम्मी कह रही मेरे नाश्ता बनाना, तो भाई अब खुद ही उड़ानी पड़ रही यार, असली पतंगबाज का जिगरा देख रहे हो, खुद ही उड़ाना पड़ता है। बस एक लौंडा है जो कैमरामैन है, वो साथ दे रहा है अपना, जब कोई ना उड़ाए ना तब भी हम उड़ाए, वही असली पतंगबाज माना जाता है। गाइस आप देख रहे हो बड़ी मुश्किल से इतनी ऊपर उड़ाई है यार, गाइस बहुत मुश्किल हो रही है, हवा चल ही नहीं रही,
पर फिर भी मैंने कोशिश करी और देख रहे हो अबू अब सही से लग रही है, देखो कितनी प्यारी लग रही है, डील कितनी तगड़ी चल रही है, कितनी स्पीड में देखो भीड़, अरे भाई 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 भाई, भाई। अरे भाई 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 भाई, ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो कितने मंजा जा रहा है, ये देख रहे हो गाइस सामने पतंग में मंजा जाता हुआ, और देखो कितनी स्पीड में आवाज आ रही है आपको, ये देखो भाई मैं हाथ घुमाने लग रहा, अरे ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो ये जाता हुआ भाई, अब बढ़िया डील ले रही है, देखो है ना गाइस सिस्टम, और इसे बढ़िया करके ऊपर उड़ानी है बहुत गाइस, अब अपनी पतंग सीधा गगन चूमेगी भाई साहब, देख रहे हो, ओहो अब सैर नहीं लगी गाइस, सैर नहीं बड़ी मुश्किल होती है, एक बार सैर जाए ना बड़ी पतंग तो फिर वो रुकती नहीं किसी के सामने, गाइस देख रहे हो बैकग्राउंड के व्यू, और ये देखो गाइस डील सिस्टम गाइस बेहतरीन, ये देख रहे हो पूरी डील चल रही है यहाँ पे, खुद ही पतंग खुद ही डील मांग रही है भाई, भारी पतंग है, पर मुझे देखना पड़ेगा सामने कोई पतंग ना तोड़ ले, वरना उसके ऐसे ही मैं कर दूंगा। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे दोबारा से गाइस, मजा आ गया भाई सब मजा, देखो कितनी स्पीड में, ये देखो ओ भाई रुक जा भाई, बसंत पे भी उड़ा रही भाई, रुको जरा सबर करो, बहुत तेज भागे जा रहे हो चचा गाइस, बहुत तेज भागे जा रहे हो, देखो अभी करूँ ना, ये देखो, पर गाइस नहीं अभी रोकने देता हूँ भाई, थोड़ा सा ऊपर उड़ाने दो बढ़िया करके, देखो एकदम से करंट दिखाओ, देखो ये देखो कितनी टाइट हो रखी है पतंग, देख लो बहुत टाइट है पतंग इस टाइम, जबरदस्त कर दी करके, तो गाइस मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा था, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट जरूर कर दिया करो यार, एक कमेंट करने में आपका कुछ नहीं आता, और सामने पतंग आ रही और भी गाइस, ये देख लो मेरी पतंग ने एक पतंग तो काट दी, ये देखो वो जा रही कट के भाई साहब, लगती सारी कट गई वो देखो, और अपनी पतंग ऊपर मस्त तरीके से तैर रही है, और वो जा रही नीचे दूसरी पतंग कट के, भाई लगते सारी चली गई क्योंकि पतंग बहुत भारी हो रही है ना इसलिए, गाइस गाइस बड़े पतंग की बस यही खास बात होती है, जब उड़ती नहीं तो उड़ती नहीं, और जब उड़ती है तो भयंकर इतनी ऊपर उड़ती है, फिर कोई नहीं टिकती भयंकर, ये देख लो, ये देखो गाइस ऊपर, मानता हूँ कि आपको पीछे नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपको डील देकर दिखा देता हूँ, ये देखो मेरा हाथ पूरा घूम रहा है, बड़ी मुश्किल टाइट पकड़ रखा है, देखो डील जा रही है, तो गाइस ये देखो डील जा रही है, देखो दिखाओ, ये देखो रुको डील दिखाता हूँ, ये देखो डील दिख रही होगी आपको, तो ऐसे डील जाती है भाई, और रुको सामने एक और पतंग आ गई, रुको एक और काटता हूँ, रुको आई होप गाइस आपको मजा आ रहा, और गाइस ये मांझा भी देखो कितना बेहतरीन है भाई, मैं कह रहा ये जो मांझा हम लेके आए ना भाई एक नंबर मांझा है, मतलब कोई से मांझा इस पे सामने टिक नहीं पा रहा बिल्कुल भी, ओहो और गाइस कलर भी बेहतरीन है, जो अपने तिरंगे में एक कलर आता है ऑरेंज, देख रहे हो गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना, और सूर्यदेव भगवान जी पीछे थे, वाह ब्यूटीफुल ना, और रुको यार भयंकर ये बंदे जीने देने के, भयंकर इतने पतंग काटने के लिए आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करा रहे हैं मेरे, देखो कितना टाइट हो रहा भाई, गाइस कोई भी नहीं आ रहा भाई साहब, मैं तब से एक घंटे से लेके खड़ा, अब कुछ लोंडे ला रहे उड़ाने लग रहे, एक तो हवा नहीं चली सबसे बड़ी दिक्कत, देख लो पिछले कोई नहीं उड़ा रहा, अभी एक दो पतंग आई है, देखते हैं गाइस कोई आता है, बाकी बचा के रखने गाइस, वरना आपको पता है क्या सीन होगा भाई, भारी नुकसान हो जाएगा, बट कोई बात नहीं गाइस, पतंग तो कटने के लिए होती है, इतनी सारी हम पतंग लेके किस लिए, कटने के लिए है ना, और मांझा उड़ाने के लिए, तो गाइस देखते हैं कितने देर तक हम इसे संभाल पाते हैं, कितनी देर तक हम इसे बचा पाते हैं, और कितनी देर तक हम लोगों की काट पाते हैं, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, कटेगी तो कटेगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, बाकी देख ही रहे, और गाइस नाश्ता भी नहीं करो सुबह से, मैंने सोच रहा हूँ मम्मी जी मेरे पीछे बड़ी नाश्ता कर लो है मम्मी, हाँ मम्मी हाँ बोली, तो गाइस अब देखो डील अभी भी इतनी ले रही है पूरी पूरी थोक में, उड़ाई किसी ने लपेटनी किसे पड़ रही, पर मम्मी मांझा इतना बढ़िया कि उलझता नहीं है ना, देखो उलझ नहीं रहा, कम उलझ रहा बिल्कुल, लपेटने के बाद पता चलेगा, अजी हाँ अब पतंग नीचे आ गई, कहीं थक गए भाई उड़ाते उड़ाते, नाश्ता कर, हाँ फिर मैं कपड़े धुलूंगी, अच्छा फिर दोबारा पतंग उड़ाऊंगी, कपड़े धुल का फिर खाना, चलो कहीं मम्मी फुल सपोर्ट कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लो सब अपने बच्चों को सपोर्ट ऐसे करना चाहिए, ओहो क्या बात है, सब क्या होंगे पतंगबाजी में सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज में वाह अपने बच्चों को सपोर्ट देना चाहिए, वाह वाह अच्छी चीज है, पतंगबाजी अच्छी चीज है, नहीं वो तो है फेस्टिवल है, फेस्टिवल के तौर पे आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझ गया, डेली उड़ाने में तो गंदा काम है, डेली तो मैं उड़ाता ही नहीं आपको पता ही है बात, उड़ाने में सही है, चलो गाइस मम्मी देखो अच्छे तरीके से लपेट रही, बहुत सारा मांझा लपेटना मम्मी को भाई, गाइस गाइस आप सब भी बस यही सोच रहे होंगे साले वैसे उड़ा ले तू बस अकेले अकेले, जब हमारे सामने उड़ा कर गए फिर देख तेरी काट देंगे, तो गाइस मैं तो तैयार हूँ भाई, उड़ा रहे हैं भाई आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अभी मैं उतार रहा हूँ क्योंकि काम पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया आपको पता ही, मम्मी जी इसलिए तो मेरे पास आई है, वरना थोड़ी आ रही थी ऊपर, तो इसीलिए बाकी मैं उतार दी बस पतंग जल्दी से, ये आ गई अपनी पतंग भाई, देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से आ रही है, वाह
भाई भाई गिर जाएगी रुको। तो गाइज आई होप आपको मजा आया हो, और गाइज एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और भाई जितना मजा इस पे ऊपर दिख रहा है ना ये वाला, भाई लपेटते लपेटते मेरी और मम्मी जी की हालत खराब होगी, मम्मी तो गुस्सा हो गई मेरे पे तो चली गई, ठीक है। और बाकी मैं भी अब नीचे चलता हूँ, और गाइज अभी मैं एक और न्यू ब्लॉग बनाने वाला हूँ अलग से, ठीक है। और बाकी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। एंड भाई ये पतंग ना मेरी लक्की पतंग होती है यार, भाई 2-3 पतंग आज मैंने काट भी दी और मजा भी आ गया, ठीक है। अभी मेरी तरफ से आप सभी को राम राम जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।